बात करेंगे रायपुर की, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में 11 सीटें जीतने का दावा किया है। वहीं कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट के बयान को लेकर भी पलटवार उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि वे सपना देखते रहे, पिछली बार उनकी सरकार रही लोकसभा चुनाव में, राजस्थान में उनका खाता तक नहीं खुल पाया है। रायपुर से भोलेश मिश्रा की, प्रदेश कार्यालय में हुई थी, जिसमें हमारे सभी विधायक, सांसद, जिले के अध्यक्ष और हमारे जो कमेटी बनाए गए हैं उनके सदस्य थे, कि अयोध्या में जाना और भगवान रामलला का दर्शन करना। उसके लिए एक स्वच्छता अभियान पूरे देश में चला रहे मंदिरों का, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो और संगठन के लोग हो, अलग अलग मंदिर में जाएंगे, स्वच्छता अभियान करेंगे। 14 से लेकर के 22 तारीख के बीच में अलग अलग मंदिरों में स्वच्छता अभियान करेंगे। इसके बाद में 22 तारीख को प्रोजेक्टर लगा करके, एलईडी टीवी लगा करके, किसी न किसी मंदिर में हमारे नेता पूजा पाठ करेंगे। और 12:30 बजे से 2:30 बजे तक के समय रखी गई है। रात को लाइटिंग की व्यवस्था होगी, हर घर में दीप जलेगा, सामूहिक दीप भी जलेगा। ऐसी बड़ी बड़ी योजना भी पार्टी के द्वारा चल रही है।